Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta, and if I asked you a question, who do you think is the politician who gets the most bad press in India? Chances are you will name my guest for this week. Mayawati ji, welcome to Walk the Talk. बहुत privilege है हमारी यार. Walk the Talk पे आप अंग्रेजी मीडिया में बहुत कम बात करती हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंग्रेजी से नफरत है, लेकिन मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, खास तौर से सुल का सुल ट्राइब और जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं जिनका पॉपुलेशन इस देश में 100 में से 85 के लगभग है, तो ये समाज ज्यादातर देहातों में रहता है. आज भी 80% पॉपुलेशन देहातों में है, तो ये लोग ज्यादातर हिंदी को समझते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं कुछ बोलूँ तो मेरी आवाज जो बहुजन समाज का जो देहात में रहने वाला तबका वहाँ तक पहुँच सके. लेकिन आप तो पढ़ रही थी, आप तो कलेक्टर बनने वाली थी, समाज इंग्लिश में काम करना होता था. तो फिर मैं इस लाइन में नहीं सोचती ना. जो लाइन मैंने पकड़ी है कि इस देश में जो दबा कुचला तबका है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए जो मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया है, तो फिर मैं इस लाइन में नहीं आती. फिर तो मेरी लाइन दूसरी होती, तो फिर मैं आज इधर गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करती, फिर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तो किसी को हुक्म देती होती. इतनी बड़ी राजनेता ना बनती तो शायद मैं भी गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करता. आप तो दुनिया भर आपके साथ गर्मी में सर्दी में घूमते हैं. आपको कभी इस बात का अफसोस होता है कि आप आईएएस बनने चली थी लेकिन राजनीति में आ गई और उसके बाद विवाह भी नहीं कराया, और आपकी राजनीति तो बहुत टफ राजनीति है नहीं? मुझे जब तक मुझे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है तो और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब तक मुझे इसकी पूरी जानकारी थी नहीं कि भाई इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हावी, इसका जब तक मुझे एहसास नहीं था, तो तब तक तो मैं सोचती थी कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए और आईएएस ऑफिसर बनके मैं मुझे अपने समाज का भला करना चाहिए. लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसके ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, और जब तक मैं राजनीति में कामयाब नहीं होती हूँ या मैं किसी लायक नहीं बनती हूँ तो मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकती. और इस बात का एहसास मैंने कब किया, जब मैं 1995 में, जब मैं 3 जून 1995 को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत छोटी उम्र में, और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो एक नहीं कई आईएएस ऑफिसर, कई आईपीएस ऑफिसर जब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें आदेश दीजिए कि आपकी जो प्राथमिकता है तो आप बताएं कि हम उसको किस तरीके से हम उसको आपकी प्राथमिकताओं को हम पूरा करा सकते हैं, आपके हम हुक्म का इंतजार कर रहे हैं. तो मेरे सामने एक नहीं जब कई आईएएस ऑफिसर तो अपनी वो नोटबुक लेकर खड़े हुए कि आप हमें आदेश दीजिए, तो मैंने जब उनको आदेश दिया कि हमारी सरकार की बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये प्राथमिकताएं हैं, तो आप इस और आप लोगों को ध्यान देना, तब मुझे एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेसी से बड़ा जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन यदि चाहे तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए बहुत कुछ अपने समाज का भला करा सकता है. आईएएस में गई होती तो वो 37-38 साल की उम्र में ना मैं मुख्यमंत्री बनी होती, कलेक्टर, और फिर मैं अपने समाज का जितना मैंने भला किया है उत्तर प्रदेश में, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ, तो जितना मैंने भला मुख्यमंत्री बनने के बाद, राजनीति में प्रवेश करने के बाद और एक बड़े ओहदे पे जाने के बाद किया है, उतना भला मैं कलेक्टर बनकर नहीं कर सकती. बताएं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए आप कभी कुछ टेंशन रहती है आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ? एक बार आप, मैंने भी आपका भाषण सुना बिजनौर में, और आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरे नाम से थर थर कांपती है, तो नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में मेरी ऐसी सोच है. आपके वोटरों ने बहुत ताली बजाई. नहीं, ऐसा वोटर्स को इस बात का एहसास है कि जब तक मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी और दूसरी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, तो ब्यूरोक्रेट्स कभी फील्ड में नहीं जाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, तो उनको न्याय बराबर नहीं मिलता था. लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को, हर जिले के एसपी या एसएसपी को, तो मैंने राइटिंग में निर्देश दिए कि हर जिले के अंदर तो जो आईएएस, जो डीएम और एसएसपी है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो वो दफ्तर में बैठेगा और लोगों की समस्याओं को सुनेगा. तो मेरे समय में
तो अधिकारी टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और समय पर दफ्तर में बैठते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और काम करते थे। थरथर कांपने का क्या है, नहीं इज्जत नहीं। तो जो मैं उनको टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि भाई आपको इतने समय में इतना काम करना है, तो मैं केवल कहती नहीं थी, करके दिखाती थी। तो जब मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स को टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि आपको एक या दो महीने में इतना टारगेट आपको दिया जाता है, ये पूरा करना है, तो उसके बाद में रिव्यू बैठक करती थी, उसके बाद में कमिश्नरी वाइज रिव्यू बैठक करती थी। और रिव्यू में जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मुझे मिलता था, तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करती थी। तो इससे जनता बड़ी प्रभावित होती थी, बहुत खुश होती थी। ब्यूरोक्रेसी में बहुत नेगेटिव है? नहीं ऐसा नहीं, जो नहीं देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है तो जो काम में विश्वास रखती है और जिनको इस बात का एहसास है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि जो लोग आईएएस या आईपीएस में आए तो वो उनको ये मालूम है हम किस मकसद से आए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। तो जो इस मकसद को समझते हैं उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया। लेकिन जो लोग कामचोर अधिकारी हैं, जो जिम्मेवारी को बराबर नहीं समझते, उनको जरूर रियलाइज करते हैं। जितने तबादले हुए कि लगेगा कि तीन चौथाई अधिकारी कामचोरी है, और थोड़ी विरासत तो आपकी भी रही काशीराम जी की। नहीं ऐसा नहीं, मान्यवर काशीराम जी को कहाँ राजनीति विरासत में मिली है, उन्होंने भी नहीं। वो जब मैं आई हूँ तो मेरे आने पर ही पार्टी बनी है, उससे पहले थोड़ी ना पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। तो मान्यवर कांशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पहले पॉलिटिक्स में आए, इस मूवमेंट से जुड़े हैं। तो लेकिन उनका मेरे पर आशीर्वाद रहा है और जब तक, और मैं भी उनके साथ में जी जान से लगी रही। यदि मैं मेहनत नहीं करती, उनको भी राजनीति विरासत में नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। चाहे मान्यवर कांशीराम जी का सवाल मेरा सवाल है, चाहे हमने जो भी कुछ किया है मेहनत के बलबूते पर की। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई उनकी बीमारी के बारे में? नहीं अभी वो क्या है कि उनके जो परिवार के लोग हैं तो वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो जो विरोधी पार्टियां हैं तो उनके सीधे साधे होने का वो फायदा उठाती हैं। वो ही नहीं, कोई और भी हो तो उन्होंने उनको थोड़ा लालच दे करके, भाई आप किस तरीके से मान्यवर कांशीराम जी को लिया हो, हम आपको बढ़ावा दे देंगे। उनको लोग तो ये कहते हैं, उनको कुछ पैसे का भी लालच दिया गया, कुछ राजनीति में भी हम आपको कुछ बढ़ावा दे देंगे, ऐसा करके उनको इस्तेमाल किया गया। वो पहले भी तो ठीक चलते थे, तो इसलिए अभी एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जब वो लालच बहुत बुरी वाला है, अब उनके हाथों में, विरोधियों के हाथों में खेल गए, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया। तो मैं समझती हूँ कि जो पूरे इंडिया में जो बहुजन समाज है, तो जब उन्होंने विरोध किया मान्यवर कांशीराम जी के यहाँ पे रुकने को लेकर, मेरा विरोध किया, कोर्ट कचहरी में गए, तो खुशी की बात यह है कि पूरा देश का बहुजन समाज एक भी उनके साथ खड़ा नहीं हो, सारा का सारा मेरे साथ रहा। तो इसलिए मुझे पूरी खुशी है कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाया तो बहुजन समाज ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन आप उनका ऐसे ध्यान रख रही हैं जैसे परिवार रखता उनका? मान्यवर कांशीराम जी का मैं समझती हूँ कि उनके परिवार से ज्यादा ध्यान रख रही हूँ। मान्यवर कांशीराम जी का जो भी उनको आके देखता है, जिस तरीके से हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे, सब कहते हैं कि एक बेटा भी ऐसे बाप का ध्यान नहीं रख सकता था। तो आपको इसके बारे में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं? नहीं मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो भी अभी एम्स वाले आए और मान्य सुप्रीम कोर्ट ने एम्स वालों को डायरेक्शन दिया कि आप जाकर देखो, इनके घर वाले ये बोलते हैं कि बराबर इलाज नहीं हो रहा है। एम्स के 7 डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है कई बीमारियों में, उनकी टीम आई और उन्होंने कई घंटे मान्यवर कांशीराम जी को एग्जामिन किया और पूरी दवाइयों को देखा कि जो उनकी दवाई चल रही है बराबर, लेकिन उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बारे में रिपोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि जो दवा चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। तो जब एम्स वालों ने हमको वो क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया कि उनका बढ़िया इलाज चल रहा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं, तो हमें क्या चाहिए? लेकिन ये कहा जाता है कि आप छुपा के रखती हैं। मैं छुपा के मैं क्या रखूंगी? किसी को मिलने नहीं देती? मैं क्या छुपा के? ये मेरा रेजिडेंस है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में हमने किसी को मना नहीं किया। हॉस्पिटल में मैं आम दरबार लगा दूंगी, मुझे क्या मालूम है कि कौन आदमी किस शरारत के तहत इधर आ गया। मेरे को Z+ की सिक्योरिटी मिली है, हो सकता है विरोधी पार्टी के लोग शरारत के तहत किसी एंटी सोशल एलिमेंट को इधर भेज दें
और मेरे घर में आके कोई ऐसी चीज रख दे कि जिससे मेरा घर ही उड़ जाए और मैं भी उड़ जाऊं, माननीय कांचीराम जी भी उड़ जाए। खासकर रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, उनको देखने देते हैं। नहीं तो मीडिया कौन बोलता, मीडिया तो बाकायदा देखने के लिए हॉस्पिटल में जब भी आए, हमने कभी नहीं मना किया। माननीय कांचीराम तब से हुई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हॉस्पिटल से कंट्रोवर्सी हो गई थी, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल से ही, हॉस्पिटल के बाहर तो उन्होंने माननीय कांचीराम जी के बत्रा हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने काफी दिन तक धरना प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल में रहते हुए वो लोग कोर्ट कचहरी में गए। हॉस्पिटल में जब माननीय कांचीराम थे, हमने मीडिया को उनके सामने लाए और मीडिया के सामने माननीय कांचीराम जी ने कहा, जिसमें कई चैनल के लोग थे, सुन लो, उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, मायावती जो कर रही है वो ठीक कर रही है, मैं उनकी सेवा से सहमत हूँ। ये उन्होंने मीडिया को अपनी आवाज में बोला। उन्होंने अभी भी वो आपके पास रह के ज्यादा मां बिल्कुल बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल बहुत खुश। तो अभी आप क्यों नहीं मीडिया को कभी उनसे नहीं, मैं कभी उनको नहीं मना किया। अभी देख सकते हैं उनको? हाँ क्यों नहीं देख सकते, आइए चलिए। हेलो माननीय कांशीराम जी, देखो मीडिया के लोग आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। नमस्कार। देखो 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 कैमरा भी है, देखो आ जाइए। हेलो मैं शेखर गुप्ता हूँ जी, आपसे मैं इलाहाबाद बाई इलेक्शन में मिला था 1988 में पहली बार, उसके बाद तो बहुत बार मिले जब आप बीपी सिंह जी के। आपके बहुत प्रशंसक है ये। मैंने इनसे कहा कि सब लोग कहते हैं कि आपको यहाँ बंद करके रखा हुआ है, आप खुश नहीं है तो आपसे मिलवाएं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो उनको बहुत प्यार से रखते हैं और इनकी इच्छा अनुसार ही इनको रखा हुआ है। आप खुश हैं ना साहब इधर? हाँ जी, बस हाँ ना, हमें बोलते ज्यादा बोल नहीं पाते ना, आधा हिस्सा जो है पैरा नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत आसान नहीं। हाँ नहीं नहीं हो रही, पूरा बोल धीरे धीरे होगी। अभी अब हॉस्पिटल से इधर आके ज्यादा ठीक है, हॉस्पिटल से आगे। साहब चाय पिया? शाम को क्या खाओगे? पटूरे छोले खाओगे? मिठाई खाओगे? इनको पटूरे छोले बहुत अच्छे लगते। डॉक्टर ने बोला स्वीट लेना, स्वीट नहीं लेना तो स्वीट चाहिए। फिर तो आप नजदीक ही है बंगाली मार्केट। तो इन्होंने क्या कहा है? कांशीराम जी ने पहली बार कहा कि आईएएस वगैरह छोड़ो और राजनीति में आओ। माननीय कांशीराम जी ने जब ये मेरे को इन्होंने बोलते हुए सुना तो ये बड़े प्रभावित हुए। इनको लगा कि ये बहुत बड़ी नेता बन सकती है यदि इसको तैयार किया जाए। तो माननीय कांशीराम जी अपने साथियों को लेकर मेरे घर पर आए। तो जब तक मैं इस मूवमेंट से नहीं जुड़ी थी, मुझे भाषण देते हुए सुना, तो माननीय कांशीराम जी ने कहा, मेरे पेरेंट्स से पूछा आप क्या चाहते हैं अपनी लड़की को बनाना, तो क्या बनाना चाहते हो? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा मैं इसको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। तो माननीय कांशीराम जी ने कहा कि मैं मायावती को आईएएस ऑफिसर नहीं एक बहुत बड़ा नेता बनाना चाहता हूं, ताकि एक नहीं कई आईएएस ऑफिसर इसके सामने फाइलें लेकर खड़े रहे, ऐसा मेरा सपना है। तो माननीय कांशीराम जी ने मुझे इस लायक बनाया, तो मैं इस लायक बन चुकी हूं। जब मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनी, एक नहीं कई आईएएस ऑफिसर मेरे सामने फाइलें लेकर खड़े होते थे, और जब फाइलें लेकर खड़े होते थे, जब इन्होंने मुझे पहली बार देखा बहुत खुश हुए, खुशी के मारे इनका ठिकाना नहीं था, और बड़े इमोशनल होते हैं जब वो पुरानी चीजें याद तो करते हैं, जैसे अभी इमोशनल हो रहे हैं। तो इसे पुरानी बातें सब याद आ रही है, इसीलिए तो इतना ट्रांसफर नहीं करती, ट्रांसफर बहुत करती है ऑफिसर। नहीं 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 नहीं, आप कोई ट्रांसफर, माननीय कांशीराम जी को मालूम है, उनको ये बोलते हैं जो काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको मैं 3 पद के ऊपर भेजो, ये तो मेरे एक्शन से बहुत खुश रहते थे। एक बात और बताएं कि इन्होंने आपको ग्रूम किया, तो एक सीमलेसली एक ट्रांजिशन हुई जब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन आप किसको ग्रूम कर रही हैं? आप सब सोचते हैं इतनी बड़ी पार्टी है, आपका 7-8% वोट है देश में, बड़ी पार्टी है आपकी है, तो आप 7-8% नहीं ज्यादा है, सारे देश की बात कर रहे हैं। हाँ सारे देश में, सारे देश में जिस समाज को हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, इन लोगों की पॉपुलेशन 100 में से 85 के लगभग है। मैं पुराने इलेक्शन की बात, हाँ पिछले इलेक्शन की नहीं, तो पिछले इलेक्शन में यूपी में तो हम लोग 25% के आसपास पहुंचे, आप पूरे देश में बड़ी पार्टी, मेरा पॉइंट है बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है। ये पूछते हैं कि आपका सक्सेसर कौन है, नंबर 2, 3, 4? अभी तो माननीय कांशीराम जी जब पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, और जब मुझे, मैं तो इनके साथ जी जान से लगी थी काम में, इनसे भी पूछा करते थे कि आप दूसरा आदमी कौन है आपका जिसको तैयार कर रहे हो, तो माननीय कांशी जैसे आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, इनसे पूछते थे, इन्होंने बोला कि वक्त आने पे बताया जाएगा, जब वक्त आया
तो इन्होंने दिसंबर 2001 में मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इसलिए मैं भी काफी तैयार कर रही हूँ, लेकिन अभी बताने की क्या जरूरत है, जब वक्त आएगा तो हम भी बता देंगे। अभी मैं इस लेकिन कोई है अब एक नहीं कई हैं तो उनमें कंपटीशन है, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे। इनको ऐसी बातें सुना के क्यों बोर करें, साहब चले इनको छोड़ा है, छोड़ा है, आइए। तो आपके सलाहकार कौन है, आपकी इनर काउंसिल, ये लोग जानते नहीं, नहीं, नहीं मेरे कोई सलाहकार नहीं है आपकी पार्टी में, तो मैं खुद अपने सूझबूझ के आधार पर काम करती हूँ। आके भाई हमें आपका इंटरव्यू करना है, तो आपने मुझसे समय मांगा, आपको हमने समय दिया, आपको रिस्पेक्ट से घर के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपने मान्यवर कांशीराम जी के उधर गए, सब कुछ आपने इंटरव्यू लिया। अब मीडिया को मेरी बात सुनो, भी आपने बड़ी बड़ी खातिर की, नहीं ऐसा नहीं, जब मीडिया ने को हमने बुलाया नहीं है तो, और मीडिया बिना बुलाए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया बड़े पैमाने पर इधर आ जाए और अंदर से हमारा जो स्टाफ है हमसे कंफर्म करके कि हमने नहीं बुलाया, उनको कहा कि भी आप जाए आपको नहीं बुलाया, इसके बावजूद भी जबरन वो बंगले के अंदर घुस जाए, तो यदि हमारी मेरी सिक्योरिटी नहीं होती तो हमारे ऊपर तो अभी मीडिया में मालूम नहीं कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ उस दिन का जो इंसिडेंट तो हुआ था तो उसमें हमारा कसूर नहीं था, उसमें पूरा कसूर मीडिया का था, हमने उनको नहीं बुलाया था, बिन बुलाए इधर आए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मीडिया की बात तो एक है, आप राजनीतिक पार्टियां देखें तो कौन सी पार्टियां ऐसी हैं देश में इस समय जो मनुवादी नहीं मानती हैं? मुझे तो बीएसपी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां अभी मनुवादी नजर आती हैं। और जो दक्षिण की पार्टियां हैं डीएमके एडीएम हाँ, अभी उनके अभी मानसिकता नहीं बदली है, नहीं बदली है, वो भी मनुवादी हैं, अभी उनके ऊपर काफी प्रभाव है मनुवाद का। इसलिए तो नहीं कह रहे कि कल को आप चाहती है कि वहां जाएं और उनका वोट बैंक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें कि उन पार्टियों के अंदर भी ज्यादातर वही लोग हैं फोर फ्रंट पे, तो जिनकी मानसिकता टोटल मनुवादी है। मायावती जी एक बात बताएं, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, व्यक्तिगत लाइफ क्या है, आपने पर्सनल लाइफ तो यंग एज में फैसला किया शादी नहीं करेंगे? नहीं, मेरा जब मैं पढ़ने लिखने के बाद जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज में जो समय समय पर उन महान पुरुष हुए जिन्होंने बहुजन समाज के इंटरेस्ट के लिए अपनी जिंदगी पूरी उन्होंने संघर्ष में बिताई, जब मैंने उनके जीवन संघर्ष का अध्ययन किया तो उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि अब वो तो हमारे बीच में जिंदा नहीं है, तो उन्होंने का जो अधूरा कारोबार आ गया है उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए यदि और लोग नहीं आएंगे तो ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ता है, तो इसलिए फिर मैंने ये फैसला लिया कि ये काम तो बड़ा कठिन है, यदि मुझे इस लाइन में आना तो फिर मैंने अनमैरिड रहकर के मुझे 24 घंटे बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लगाना है मिले, तो मैं इसमें लगी रही। कभी कोई फिल्म देखती हैं? कोई नहीं, नहीं मैं कोई फिल्म नहीं देखती, कोई खेल देखती नहीं, ना ना कोई खेल देखती, यदि मुझे कोई कि मेरे को समाचार मैं जरूर सुनती हूँ, पेपर जरूर पढ़ती हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या गलत लिख रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं, एक पॉलिटिशियन को अलर्ट रहना चाहिए। और जब मुझे बाय द वे बहुत थोड़ा घना समय मिलता है तो मुझे नेचर से कुदरत से बहुत लगाव है, तो मैं कभी कभी अपने गार्डन में आके अपने प्लांट्स को देखती हूँ। मुझे एक बार जयललिता जी ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बड़ी यंग एज में पॉलिटिक्स में आ गई और एमजीआर अगर मिलते तो मैं उनसे झगड़ा करती कि मैं फिर बहुत बहुत बड़ी लॉयर बनती फली नारीमन की तरह, और ये अफसोस मेरे साथ रहेगा। आपको कुछ ऐसा रिग्रेट है? ऐसा नहीं, मैं तो जितना मैंने अभी तक इस छोटी सी उम्र में खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के इंटरेस्ट के लिए जो मैंने काम किया है उससे मैं बहुत खुश हूं, और जिस तरीके से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ा है तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक राज्य ने कई राज्यों में हम लोग सत्ता अपने हाथ में लेंगे, एक दिन सेंट्रल में भी लेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस समाज में पैदा हुई अपने दबे कुचले लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूं। कब सोचती है भारत में एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा? हम प्रयास कर रहे हैं कि 12-13 साल हम बहुत मेहनत करेंगे, हम चाहेंगे कि एक दलित शोषित समाज का जो आदमी है वो देश का प्रधानमंत्री बने, चाहे आदमी हो या लेडी हो। ये अभी हम कुछ देख रहे हैं नई केमिस्ट्री आप में और लालू के बीच में, आपने उस दिन जब पार्लियामेंट में बोला तो आरजेडी के एमपीज ने बहुत, अभी उनका अपनी पार्टी का मामला है। होती है आपके उनसे? हमारी तो जब पार्लियामेंट जाते हैं तो सभी पार्टियों के नेता तो दुआ सलाम करते रहते हैं, पॉलिटिकली कोई ऐसा कोई बात नहीं, कभी आपने दुखड़े नहीं एक दूसरे को? ऐसा नहीं, हमें क्योंकि आप दोनों सीबीआई से, ऐसा कुछ नहीं, उनका हम अपने काम में मस्त रहते हैं।
पार्टी के कामयाबी लफड़ों में नहीं पड़ते। आपकी इमेज है कमांडोज के साथ, क्योंकि आपको खतरा है। अब खतरा तो है, जब मेरे ऊपर जानलेवा खतरा तो ये है कि इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी खराब हो चुकी है कि विचारधारा के आधार पर ये लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब कोई अच्छी, कोई मजबूत पर्सनैलिटी या कोई लगता है कि भाई ये कोई व्यक्ति या कोई लड़की आगे उभर रही है, तो और दूसरे आदमी, दूसरे पॉलिटिशियन को उससे खतरा नजर आ रहा है, तो वो अपने जनाधार में पैट बनाकर तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो क्रिमिनल एलिमेंट्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप डरती किससे? मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सीबीआई? अरे किसी से भी नहीं था। सीबीआई कोई भी हो, क्यों डरने का? आदमी वो डरता है जो गलत काम करेगा, मैं क्यों डरूंगी किसी से? अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक्यूजिशन की तरह नहीं पूछूंगा, आपसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पूछूंगा। ये ताज में हुआ क्या? ताज के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस केस पे मुझे फर्जी फंसाया। एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया था, बीजेपी की सरकार में ये प्रोजेक्ट बना और राजनाथ सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं और ये प्रोजेक्ट था 175 करोड़ रुपए का, लेकिन मेरी सरकार में केवल 17 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे। इस प्रोजेक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना मैंने इस प्रोजेक्ट को कोई अप्रूवल दी। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी ने मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए जिस तरीके से मुझे फंसाया है, ये तो पूरे देशवासियों को मालूम है। और अभी तो मामला कोर्ट के अंदर, अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जब फैसला आ जाएगा तो सारी चीज देशवासियों के सामने। आप कहेंगे कि बीजेपी ने आपको धोखा दिया? बीजेपी ने धोखा क्या दिया? बीजेपी तो मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहती थी, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है और कोई दूसरी भी पार्टियां। खासतौर से वीकर सेक्शन में कोई पर्सनैलिटी कोई उभरती है और उनको लगता है कि बहुजन समाज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने के लिए जा रहा है, तो इस किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो पहले भी अपनाए गए हमारे महापुरुषों के सामने, इसलिए हमें ऐसी चीजों से कोई घबराते नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक ताज नहीं, पता नहीं कितने और मामले हमारे खिलाफ फर्जी बनाए जाएंगे, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना, उससे घबराना नहीं। मायावती जी, आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, ये तो नहीं कहेगा कि आप किसी से डरती हैं। हम क्यों डरेंगे किसी से? अब डरने लगे तो फिर मैं राजनीति मैंने कर ली, क्यों डरना है किसी से? तो आप इसी तरह से निडर तरीके से? हाँ, निडर तरीके से आगे बढ़ूंगी, तभी तो मैं कुछ बहुजन समाज के लिए कर पाऊंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हमारा आपने इतना समय निकाला हमारे लिए।